हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो पीजीडीसी असाइनमेंट का पीजीडीसी सब का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके असाइनमेंट बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो बेसिकली हमारा पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ टीम प्रेजेंटेशन। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कस किया है इस सब्जेक्ट का, आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके पहले उसको चेक कर सकते हैं जो आपके लिए यूजफुल होगा। तो व्हाट इज द फीचर्स ऑफ टीम प्रेजेंटेशन, टीम प्रेजेंटेशन का मेन विशेषताएं क्या है, उसके फीचर्स क्या है, हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा है, तो ब्रॉडली अ गुड प्रेजेंटेशन शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स। ये फीचर्स, ये विशेषताएं होंगे गुड प्रेजेंटेशन में। पहला, द प्रेजेंटर हैज टू एक्सप्लेन क्लियरली। पहला जो है उसको क्लियर एक्सप्लेन करना चाहिए। द प्रेजेंटर हैज टू बी कॉन्फिडेंस, उसे कॉन्फिडेंट होना चाहिए जो प्रेजेंटर है। थर्ड इज द प्रेजेंटर हैज टू इंस्पायर एंड ग्रैब अटेंशन, बैरेडम कैन सेट इन अदरवाइज एंड द ऑडियंस विल गेट फिडगेटी। ओके, फिडगेटी। तो बेसिकली ये हमारा प्रेजेंटर जो है इंस्पायरिंग होना चाहिए जो भी प्रेजेंट कर रहा है, जो भी प्रेजेंटेशन। फोर्थ इज द प्रेजेंटर हैज टू कन्वेंस द ऑडियंस। ठीक है, ये स्पेलिंग आई थिंक रॉन्ग है। द प्रेजेंटर हैज टू कन्वेंस द ऑडियंस। एंड फिफ्थ इज द प्रेजेंटर शुड बी एबल टू क्लेरिफाई डाउट एंड कंसर्न। ठीक है, ये कन्वेंस है। ठीक है, प्रेजेंटर शुड बी एबल टू क्लेरिफाई अबाउट कंसर्न। 6 जो फीचर्स है गुड प्रेजेंटेशन का, द प्रेजेंटर हैज टू इंश्योर कंप्लीट कंफ्रेंशन, अ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड इज टू फर्स्ट टेल द ऑडियंस व्हाट यू आर गोइंग टू प्रेजेंट टू देम बाय गिविंग देम एन ओवरव्यू, देन यू कैन मेक योर प्रेजेंटेशन एंड देन फाइनली रिकैप एवरीथिंग यू हैव जस्ट प्रेजेंटेड, that why you leave no room for ambiguity। ठीक है, तो बेसिकली प्रेजेंटर जो है इंश्योर होना चाहिए कि कंप्लीट कंफ्रेंसन जो प्रोवाइड कर रहा है, ट्राई टू टेस्टेड मेथड होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट टेल द ऑडियंस व्हाट यू आर गोइंग टू प्रेजेंट, पहले जो है सो बताना चाहिए कि हाँ मैं ये प्रेजेंट करने वाला हूँ। उसके बाद अपना जो है प्रेजेंट देना चाहिए, ओवरव्यू भी लास्ट में बताना चाहिए जब प्रेजेंटेशन खत्म होता है। तो बेसिकली ये हमारा प्रेजेंटेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, और प्रेजेंटर के आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं उसके गुण भी समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप ये लिख सकते हैं, अपने असाइनमेंट में ये कॉपी कर सकते हैं। मैंने आपको एक हैंडमेड नोट प्रोवाइड किया है। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राफ्ट अ रिज्यूम बनाने का ड्राफ्ट है एज पर द फॉर्मेट टू बी सेंट एज इंडस्योर फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेन इंजीनियर के लिए है ये हमारा। तो बेसिकली ये जो ड्राफ्ट रिज्यूम का ड्राफ्ट है, पहला नेम होना चाहिए, ईमेल एड्रेस, फोन एंड ये हमारा कैरियर ऑब्जेक्टिव, टू परस्यू अ पोजिशन विथ अ रिसर्च ग्रुप आर एन इंडस्ट्री वेयर आई कैन बी रिसोर्सफुल, वेयर आई कैन यूज माई नॉलेज, क्रिएटिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस एंड डिलीवर माई बेस्ट इन ऑल endeavors relating to the duties that I am interested with leading to company's growth। basically ये हमारा main जो है लिखना है, ये हमारा जो मेन सब्जेक्ट है जो ड्राफ्ट ऑफ रिज्यूम का, ये पहले तो हमारा इंट्रो लेना है, उसके बाद कैरियर ऑब्जेक्टिव के लिए ये लिखना है, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ लिख सकते हैं, एक्सपीरियंस समरी देख सकते हैं, करंटली वर्किंग ऑन ABCD प्राइवेट लिमिटेड एज जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा, एंड मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम सेप्टेम्बर 2000-whatever, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्किल सेट, सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, हॉबीज, एड्रेस, ये सब जो है अपन में रिज्यूमी में कर सकते हैं। देखिए अलग अलग रिज्यूमी का नहीं, अलग अलग जो आप कंपनी का या अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग रिज्यूमी बनाना पड़ता है। ये रिज्यूमी है इंडोस्योर फॉर द पोस्ट ट्रेन इंजीनियर के लिए, ये रिज्यूमी है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये बेसिकली हमारा जो है क्वेश्चंस का आंसर है, तो आप अपने असाइनमेंट में इसको कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, गांधी जी हैड ग्रेट लीडरशिप स्किल। तो गांधी जी के जो है लीडरशिप स्किल के ऊपर हमें कमेंट करना है और अपना एक नोट्स बनाना है।
बेसिकली क्या कमेंट है, आंसर है हमारा, महात्मा गांधी वॉज अ वेरी इम्पावरिंग एंड विजनरी लीडर. महात्मा गांधी वॉज एन इम्पावरिंग लीडर, नो नो ओनली बिकॉज ही इम्पावर्ड ऑल इंडियंस ऑन अ सॉल्ट मार्च टू करप्ट द ब्रिटिश इकोनॉमिक सिस्टम. सिंस ही वॉज पाइनियर ऑफ सत्याग्रह, ही ऑल्सो इंस्पायर ऑल इंडियंस टू अंडरस्टैंड एंड लर्न रेजिस्टेंस थ्रू नॉन वायलेंट सिविल डिसोबियंस. गांधी वॉज अ विजनरी लीडर, ही गेव इंडियंस अ न्यू स्पिरिट, अ सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड अ फीलिंग ऑफ प्राइड इन देअर सिविलाइजेशन. ही इज समथिंग मोर देन मेयर पॉलिटिशियन. ही इज अ ग्रेट स्टेट्स मैन एंड मैन ऑफ विजन. इन इंडिया गांधी स्टेबलाइज एंड एक्नोलेजमेंट बाय लीडिंग थ्रू एग्जाम्पल. ही स्टेबलाइज हिमसेल्फ एज अ स्लेव ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, इम्पावरिंग द जनरल पब्लिक. तो बेसिकली ये हमारा जो है, आप ऐसे जैसे लिखते हैं, इसमें तो हमको थोड़ा सा कमेंट बस करना है, एक पैराग्राफ लिखना है. तो आप बस इतना लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी एक शॉर्ट नोट्स लिखना है, कमेंट आप बोल सकते हैं. तो ग्लोबल वार्मिंग का शॉर्ट नोट्स का आंसर ये है, ग्लोबल वार्मिंग इज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस, ओशंस, ओशन एंड एटमोसफेयर गोइंग अप ओवर टेंस ऑफ ईयर्स. एवरेज टेम्परेचर टूडे आर अबाउट 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1.8 डिग्री फेरनहाइट, हायर देन बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विच स्टार्टेड अराउंड 1750. बट इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट इज लेस देन दिस एंड सम मोर. ऑलमोस्ट ऑल साइंटिस्ट सेड दैट बाय द ईयर 2000, सॉरी 2100, एंड टेम्परेचर विल बी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 2.7 डिग्री फेरनहाइट, 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 9.0 डिग्री फेरनहाइट, हायर देन दे वेयर बिफोर 1750. द मोस्ट नोटिसेबल चेंज बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर इज द मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड. सी लेवल इज राइजिंग स्टेडली बिकॉज ऑफ कंटिनेंटल आइस मेल्टिंग इन टू द सेड. मैनी सिटीज विल बी पार्टली फ्लडेड बाय द ओशन इन द 21st सेंचुरी. अमॉन्ग द ग्रीन हाउस गैसेस द इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज द एटमोसफियर इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, एटमोसफियर ही हमारा मेन कॉज होगा ग्लोबल वार्मिंग का. तो बेसिकली आप ये जो है शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के आंसर में, और शॉर्ट नोट्स जो हमको लिखना था. और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट्स हमको फिर से बॉडी लैंग्वेज क्या है, लीडरशिप स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब के बारे में शॉर्ट नोट्स देना है. तो मैं आपको एक सिंपल सा नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, आई होप कि आपके लिए यूजफुल हो. बॉडी लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन विच फिजिकल बिहेवियर्स एज अपोज टू वर्ड्स आर यूज टू एक्सप्रेस आर कन्वे द इंफॉर्मेशन. सच बिहेवियर्स इंक्लूड फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी पोस्चर, गेस्चर, टच एंड द यूज ऑफ स्पेस. बॉडी लैंग्वेज एग्जिस्ट इन बोथ एनिमल एंड ह्यूमन. बॉडी लैंग्वेज का ये बेसिक इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं या फिर ये नोट्स लिख सकते हैं. लीडरशिप स्किल, लीडरशिप स्किल आर द स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज इंडिविजुअल डेमोन्स्ट्रेट दैट हेल्प द ऑब्जर्व प्रोसेस गाइड इनिशिएटिव एंड स्टर देयर इम्प्लॉयज टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल्स. पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग इज द प्रोसेस आर एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग अ स्पीच टू अ लाइव ऑडियंस. पब्लिक स्पीकिंग इज कॉमनली अंडरस्टूड एज फॉर्मल फेस टू फेस स्पीकिंग ऑफ अ सिंगल पर्सन टू अ ग्रुप ऑफ लिसनर. तो बेसिकली ये पब्लिक स्पीकिंग का इंट्रोडक्शन है, बेसिक शॉर्ट नोट्स हैं. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे पीजीडी से असाइनमेंट के लिए. आई होप कि आपके लिए यूजफुल हो, आपको समझ में आया होगा. अगर यूजफुल है
तो आगे के वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए, और भी बाकी सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट के लिए आप लिंक चेक कर सकते हैं, चैनल में जाके चेक कर सकते हैं। आपको पीजीडी से सब्जेक्ट का जितने भी टॉपिक जितने भी सब्जेक्ट का पीजीडी से का जितने भी सब्जेक्ट के जो भी टॉपिक्स हैं आपके असाइनमेंट में, आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।